नाज़रीन 99 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं 99 न्यूज़ चैनल। नाज़रीन बताती चलूँ, हाँ आज हम मौजूद हैं फराबी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, जो कि है तो एक सरकारी तालीमी इदारा, लेकिन यहाँ की तालीम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ के बच्चों की अगर बात करूँ, तो वो बहुत ही बेमिसाल हैं। यहाँ के बच्चे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, और क्या क्या होनहार बच्चे हैं जो यहाँ सरकारी स्कूल से पढ़ कर मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स बन रहे हैं, नामवर डॉक्टर्स बन चुके हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊँगी, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ छोटे बच्चों की, तो उनका कॉमन सेंस भी वाकई में बहुत ही कमाल है। क्या बच्चे हैं, क्या टैलेंट है, क्या तालीम यहाँ पर उनको दी जा रही है, और ए लेवल के हिसाब से कितने टैलेंटेड वो बच्चे हैं। आइए ज़रा आपको इस वीडियो में हम दिखाते भी और उन बच्चों से मिलवाते भी हैं, तो चलिए मेरे साथ। मैं आपसे कुछ कॉमन सेंस के सवाल करने लगा हूँ, तो मुझे बताएं कौन जवाब देगा, जो जवाब देगा उसको हम गिफ्ट देंगे। अच्छा ये मुझे बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो आगे से इंसान पीछे से, अच्छा पहले बताए, बताओ क्या है। अरे वाह क्लैपिंग, वाह भाई। मुर्गी असलम के पास है, उसने अंडा अमजद के पास जाके दिया, बताएं वो अंडा किसका हुआ, बताएं। जबरदस्त क्लैपिंग, वाह आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो, जबरदस्त बैठे बैठे। ओके नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि माशाल्लाह कितने टैलेंटेड बच्चे हैं कि सब सवालों के फौरन जवाब दे रहे हैं, तो आइए हम चलते हैं और क्लासों में, देखते हैं और टैलेंटेड बच्चे कितने हैं। सर बताएं कैसा है यहाँ पे एक्सपीरियंस। जी यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है पढ़ाने का। मैं यहाँ सन 2000 से हूँ, लेकिन यहाँ स्कूल जो एडॉप्ट हुआ है वो सन 2006 से हुआ है। हारून साहब ने इस स्कूल की शक्ल बदल दी है माशाल्लाह, यहाँ माहौल इतना अच्छा है पढ़ाई का। और मैं यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ ग्रेड 10 को, और पिछले 8-10 साल से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। बच्चे बहुत अच्छे हैं, और हमारा रिज़ल्ट जो है वो इस पूरे एरिया में सबसे अच्छा स्कूल का रिज़ल्ट है। जितने यहाँ स्कूल हैं इस एरिया में, उनमें सबसे अच्छा स्कूल हमारे फराबी का है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम अपने स्कूल को मज़ीद आगे लेके जाएं। और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जनाब हारून साहब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनको इस काम के लिए चुना, और उन्होंने इस काम में बहुत मेहनत की है। आप देखें जिस एरिया से बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पढ़ाई के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी इनको एक ऐसे स्कूल की, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ मुहैया हुआ कि ये अपनी ज़िंदगी को आगे तरक्की के राह पर गामजन कर सके। कॉमन सेंस का सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जो आगे से अल्लाह और पीछे से इंसान बनाता है, आप बताएं। जबरदस्त क्लैपिंग, वाओ व्हाट अ इंटेलिजेंट, ये तो आपको पता है। चलें एक और सवाल करते हैं, बताएं वो एक असलम की मुर्गी है, असलम की मुर्गी ने अंडा दिया अमजद के घर, अब मुझे बताएं वो अंडा किसका हुआ। वेरी गुड, और कौन बताएगा, आप बताएं। असलम का होगा, और आप बताएं। क्लैपिंग, सही जवाब, वेल डन, क्योंकि अंडा तो मुर्गी का ही रहेगा। आई एम हेयर फ्रॉम सिंस 2013, मैं 2013 से यहाँ पर हूँ, और मैं जब यहाँ आई थी तो मैं एज अ टीचर थी। इसके बाद मैं अब इस वक्त जो मैं यहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन की कोऑर्डिनेटर हूँ, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ। माशाल्लाह से सर हारून जो है जो काम कर रहे हैं, मतलब ये कि कम्युनिटी के जो नीडी बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब कि बट वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि हमने सर हारून ने सोचा कि क्यों ना जहाँ पे मासेस, मतलब जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत काम होता है, लेकिन मासेस के लिए पब्लिक के लिए काम बहुत कम होता है, तो सर हारून ने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट किया जाए, और उनके उनको जो है बिल्कुल प्राइवेटली जैसे कोई स्कूल रन किया जाता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलाया जाए, तो वही कोशिशें जा रही हैं। वो मुझे कौन बताएगा जो आगे से अल्लाह और पीछे से इंसान बनाता है, किसी को पता है वो चीज़, अभी नाम ना ले, आप बताओ। क्लैपिंग, जबरदस्त। असलम के पास मुर्गी है, उसने अंडा अमजद के घर जाके दिया है, ठीक है, और देखा दानिश ने, अब बताएं वो अंडा किसका हुआ, आप इधर आए, इधर है, किसका, मुर्गी का। क्लैपिंग, जबरदस्त, वाह यार यहाँ तो सारे इंटेलिजेंट हैं, मज़ा आ गया।
ठीक है, थैंक यू सो मच। एक दफा जोरदार आप अपने टीचर और अपने लिए क्लैपिंग कीजिए। ठीक है, मुझे आप लोग में से कोई ये बताए, वो कौन सी चीज़ है जो आगे से अल्लाह और पीछे से इंसान बनाता है? किसी को पता है? आपको पता? आप इधर आए, पहले तो बताएं आपका नाम क्या है? इधर आए। अनमोल। अनमोल, ओके। ये अनमोल हमारे साथ आ गई हैं, तो ये जवाब देने लगी हैं, बताएं। गधा गाड़ी। क्लैपिंग, वाओ। अच्छा, एक और सवाल हो सकता है इनको आता है। अनमोल रुको, रुके वो कौन सी चीज़ है जिसको जितना मारो मज़ा आता है या जितना बजाओ मज़ा आता है? ढोल। चले, क्लैपिंग, सही जवाब। वो कौन सी चीज़ है जो आगे से अल्लाह और पीछे से इंसान बनाता है? किसी को पता है? आपको? आप पहले हाथ उन्होंने उठाया। आप आओ, आप आओ। गधा गाड़ी। क्लैपिंग। अच्छा, वो कौन सी चीज है जिसको जितना मारो मजा आता है? क्या स्टूडेंट? नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है। बताएं बताएं, कौन, कोई बताएगा? किसी को नहीं आता? चलो मैं थोड़ा और आसान करता हूँ, जितना बजाओ मजा आता है। ढोल। क्लैपिंग गाइस। मुझे यहाँ तकरीबन 5 साल हो गए और इस तालीमी इदारे में मैंने आगा खान में भी रहा हूँ। मैं दूसरे नेशनल स्कूल्स कैम्ब्रिज सिस्टम में भी आता रहा हूँ, लेकिन यहाँ, और मैं एज ए एजुकेशन ऑफिसर भी रहा हूँ। सिर्फ यहाँ हारून साहब ने जो एक बेड़ा जो है खिदमत का जो है उठाया है गरीब बच्चों के लिए जिनके पास कोई असबाब नहीं है तालीम हासिल, तालीम हासिल करने के असबाब नहीं थे उनके पास, उनके लिए ये मौका फराहम किया। तो मैं भी इनके नक्श कदम पर चलता हुआ इस तालीमी इदारे में आया और यहाँ आने के बाद मेरे तलबा और तालबा से जो इंटरेक्शन हुआ तालीम के लिहाज से, जो हमारा बेज गया है, उसमें हमारे तकरीबन 34A1 यानी अबाउट 98% मार्क्स बच्चों ने लिए हैं। बताएं वो कौन सी चीज़ है जो आगे से अल्लाह और पीछे से इंसान बनाता है? वॉइस को आंसर आ रहा है, वॉइस आंसर आता है ना, बेइज्जती नहीं कराना। ओके बताओ। क्लैपिंग, जबरदस्त। एक पॉइंट हो गया वॉइस का। गधा गाड़ी, आगे से तो अल्लाह ने बनाई है गधा, पीछे से हम बना देते हैं। ठीक है, चले एक और कॉमन सेंस। एक पॉइंट हो गया बॉयज का, अब गर्ल्स इज्जत बचाएं, आप लोग पॉइंट्स लेना है। दूसरा, वो कौन सी चीज है जिसको जितना मारो मजा आता है? वो कौन सी चीज है जिसको जितना मारो मजा आता है? स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट नहीं, फ्रेंड। फ्रेंड, देखा, मुझे पता था ये क्या नहीं? नहीं, तो बाकी फ्रेंड नहीं मारेगी वापसी। चले, बॉयज आता है, है? आटा नहीं, आपको क्या मजा आएगा आटा गूंदने में? लड़कियों की तो जान जाती है सर आटा गूंदने में, है? अच्छा बताओ, बताओ बॉयज, आखिरी जी। चले मैं आसान करता हूँ, आई होप फिर जवाब दे दें। उसको जितना मारने में मजा आता है उतना बजाने में मजा आता है। सही जवाब, ढोल। ढोल भाई, आखिरी फाइनल सवाल करते हैं, फाइनल सवाल, फाइनल सवाल। अब जो आंसर देगा वो विनर है, ठीक है? वो मुझे एक चीज़ बताएं, वो कौन सी चीज़ है जो सुबह से लेके शाम तक उसका मुंह सूरज की तरफ रहता है? इसका मतलब कौन विन हुआ? ये सर की कोशिश थी, काविश थी कि जिस यानी बच्चों के लिए एक स्कूल वो किया जाए, और ये अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है कि मैं डे वन से इस स्कूल में हूँ। जब ये स्कूल खुला था बिल्कुल न्यू 2006 में, तो तब से मैं अभी तक हूँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला बस आगे वो करे। लेकिन माशाल्लाह स्कूल के लिहाज से अगर आप बात करें जाए तो स्कूल, यानी कि अब मैं तो अपने मुँह तारीफ नहीं करूँगी, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। आप किसी भी पेरेंट्स का अगर पकड़ के पूछते हैं कि स्कूल के बारे में कि भाई स्कूल क्या है, तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े स्कूल जैसा बीकेन स्कूल है, आपका ये हक फाउंडेशन है,
आपका कराची पब्लिक है, यहाँ से हमारे पास बच्चे आए हैं लिटिल फॉक्स से, लिटिल फ्लावर से, कि हमें एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह कितना फेमस हो चुका है स्कूल हमारा और क्या तालीम यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है। सर हारून की कोशिश से तो बिल्कुल मतमिन हूँ, मुझे यहाँ पे 8 साल हो चुके हैं सर हारून के साथ काम करते हुए, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत मेहनती हैं, हर साल आते हैं, मतलब एग्जामिनेशन में ही आते हैं, ज़्यादातर तो एग्जामिनेशन में ही आते हैं। बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है अदर स्कूल से, जो मैं दूसरे स्कूल्स में से एक्सपीरियंस करते हुए आ रही हूँ, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है। मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसको आगे से अल्लाह और पीछे से इंसान बनाता है, कौन बताएगा? जबरदस्त। अच्छा अभी हाथ उठाना है खाली। अच्छा ये मुझे बताएं कि अमजद के घर अमजद की मुर्गी है, अहमद के घर अंडा दिया, दानिश ने देखा, अब बताएं वो अंडा किसका हुआ? मुर्गी का। क्लैपिंग। वाओ यार आप लोग सब इंटेलिजेंट हो। मुझे यहाँ पे 4-5 साल हो चुके हैं और मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, सर का वर्कलोड जो तरीका है काम का बहुत अच्छा है, हम प्राइवेट स्कूल्स की तरह इन नीडी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारी सारी बुक्स, हमारी सारी प्लानर्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स की ऑक्सफर्ड की बुक्स की तरह हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल एज ए नेम है बट यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई कराई जा रही है और सर की इसमें बहुत कोऑपरेशन है, वो हमें सारी हेल्प करते हैं। हाँ 1 साल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर हारून के साथ, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत कोऑपरेटिव इंसान हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ उन्होंने डील किया, मैनेज किया, आपने देखा ही होगा, आप आए होंगे एनुअल फंक्शन में, शायद आप आए थे, देखा होगा आपने, बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ किया और बच्चों का बड़ा मतलब अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज करते हैं और देखा ही होगा आपने। मैं यहाँ पहले दिन से हूँ, तकरीबन 16 साल हो गए हैं मुझे, जब ये हमने लिया था मैं तो 2-3 लोगों में से हूँ जो सबसे पहले शुरू से हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मेरी तो पूरी समझें लाइफ का एक अच्छा खासा हिस्सा, जवानी में मैं यहाँ आया था 16-17 साल की एज का, अभी भी आप जवानी हैं। थैंक यू। पर पैशन है हमारा यहाँ पे, खिदमत हो रही है, इन बच्चों को इस तरह की तालीम मिल रही है कि बड़ी खुशी महसूस होती है। हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं पर हमें इस तरह से कोई चीज़ नहीं मिली थी, इस तरह की फैसिलिटीज़, जिस तरह के टीचर्स हैं, जिस तरह की बिल्डिंग है, जिस तरह की कंप्यूटर लैब बनी हुई है, फिज़िक्स केमिस्ट्री लैब है, जिस तरह का माहौल है और बच्चों ने भी जिस तरह का रिज़ल्ट दिया है, ये भी एक अच्छी बात है। जैसे कि हमने आपको दिखाया ये थे हमारे फराबी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जो कि माशाल्लाह अपने बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और यहाँ पे हमने सर हारून के हवाले से जहाँ पे यहाँ के जो असातिज़ा थे उनके व्यूज़ लिए, जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल में वो बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं जो शायद एक प्राइवेट स्कूल भी जो है बच्चों को फराहम नहीं कर सकता अगर मैं बात करूँ तो। इसी के साथ साथ ये थे हमारे आज के बच्चे और हमने आपकी बात करवाई, उनका कॉमन सेंस चेक करवाया, माशाल्लाह पढ़ाई के साथ साथ उनका कॉमन सेंस और इतने टैलेंटेड हैं, उनके आर्ट्स हमने आपको दिखाए, तो बस मैं यही कहूँगी कि कहते हैं ना कि अगर आपने किसी को तोहफ़ा देना है तो वो इल्म का तोहफ़ा दीजिए, तो हारून सर जो है यही बच्चों में बाँट रहे हैं, यही तहाइफ वो बच्चों को दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक इल्म के ज़रिए, वो भी अपनी मदद आपके तहत। तो इसी के साथ साथ अपनी होस्ट नंबर जुबैर को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।